जिसमें आज बात बांग्लादेश की हो, जहां अराजकता का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी वहां पर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, भस्म किए जा रहे हैं, और ये तब हो रहा है जब यूनुस खान अल्पसंख्यकों से मिलकर, हिंदुओं से मिलकर उनकी सुरक्षा की गारंटी दे चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें सजा दी जाएगी, लेकिन लगता नहीं कि उसका कोई असर दिख रहा है। इसके साथ ही बात होगी कोलकाता कांड की। डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई जारी है, पूछताछ और एक्शन भी जारी है, और साथ ही भारी है सियासत भी। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नई नई बातें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई और चेहरे भी सामने आते जा रहे हैं। संजय रॉय, संदीप घोष के बाद अब आरूप दत्ता का नाम सामने आया है। आखिर कौन है ये आरूप दत्ता और उसका इस मामले से क्या कनेक्शन है, ये आपको बताएंगे। और इसके अलावा बात होगी उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर पुलिस के कहर की, मुख्यमंत्री योगी की पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा की, कैसे मुख्यमंत्री योगी की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है उसको यूपी पुलिस एग्जीक्यूट कर रही है, और कहां कहां अब तक एनकाउंटर हुआ है, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार कम होने का, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। किस तरह से उनके घर जलाए जा रहे हैं, आज फिर जलाए गए हैं, कहां हुआ है, आपको दिखाएंगे बांग्लादेश में। यूनुस खान से जो डेलीगेशन मिला था, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के जो समूह जो है वो वहां पर जाकर मिला था, लगता नहीं कि कोई उसका असर देखने को मिला है, क्योंकि हिंदुओं के घरों को ठीक वैसे ही निशाना बनाया जा रहा है उनसे। वैसे ही आपने देखा कि अब से कुछ दिन पहले हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी कि किस तरह से उनकी नौकरियों पर डाका डाला जा रहा है, उनसे जबरदस्ती उनके इस्तीफे पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, उनकी दुकानों में किस तरह से लूटपाट की गई, उनके घरों में घुसकर किस तरह से उनको, उनके बच्चों को उठाया जा रहा है, उनकी बच्चियों को उठाया जा रहा है और उनके घर कर दिए जा रहे हैं आग के हवाले। आखिर कब तक यह अत्याचार होता रहेगा बांग्लादेश में, आज प्रहार में हम यही बात कर रहे हैं। और अब तक कहां-कहां किस तरह से ये हमले हुए हैं बांग्लादेश में, हम आपको ये सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं, वो ग्राफिक्स के जरिए, एक एक तमाम जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए वो तमाम बड़ी बातें, तमाम बड़े पॉइंटर्स हम आपके सामने रख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर एक बार फिर से हमला होता है। ठाकुर गांव, जहां पर हिंदुओं के घरों में आगजनी की जाती है, चिन्हित किए जाते हैं, चुन चुन कर इस तरह के गांव ढूंढे जाते हैं जहां पर हिंदू बहुतायत में हो, जहां पर हिंदू रह रहे हैं। ठाकुर गांव के देवीगंज में यह हमला होता है और यह सबसे ताजा हमला है अभी पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है, आगजनी होती है वहां पर और करीब 15 हिंदू घरों को वहां आग के हवाले कर दिया जाता है। और ये कल रात की घटना है जो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, और किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ जो ये नफरत है या पूरी जो एक स्क्रिप्ट लिखी गई है ठीक उसी तरह से चला जा रहा है, ठीक उसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। नहीं फर्क पड़ता कि मोहम्मद यूनुस चाहे ढाकेश्वरी मंदिर जाएं, चाहे वो हिंदुओं से मुलाकात, ये देखिए, ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कल रात की आधी रात में किस तरह से ठाकुर गांव में जाकर उन हिंदू घरों को, 15 हिंदू घर ऐसे जिनको जला दिया जाता है, जिनको आग के हवाले कर दिया जाता है, वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। और आप देखिए किस तरह से उनके आशियाने को चंद सेकंड नहीं लगते और उनमें आग लगा दी जाती है। लेकिन क्या मंजर था, किस तरह की चीख पुकार उस वक्त मची, जरा ये भी सुनिए। वीडियो
तो देखा आपने, ये कल देर रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आधी रात में जाकर वहां पर हिंदू जब सो रहे थे वो अपने घर में, हालांकि वो खौफ में हैं, अपने घरों में ही दुबकने को मजबूर हैं, लेकिन वहां भी उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है। वहां जाकर उनके घरों से उनको निकालकर आग लगा दी वहां पर जा रही है, और अगर कोई नहीं जा रहा तो फिर वैसे ही उन घरों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि बांग्लादेश में इन हिंदुओं से ये नफरत आखिर कब तक? बांग्लादेश के हिंदुओं में एक डर है, एक खौफ है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो दुबके रहने को मजबूर हैं, वो किसी ऐसे इलाके में नहीं जाते हैं जहां पर भीड़ भाड़ हो या इस तरह के जो उपद्रवी हो, हुड़दंगी हो, जो उनको निशाना बनाए। कुशीता जिला जहां पर हिंदू मंदिर पर हमला किया जाता है, नहीं अभी भी मंदिरों पर हमले खत्म हो रखे हैं, शांत हो रखे हैं, हिंदू मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी गई है, और जिस तरह से पहले भी हमने आपको बताया कि इसी तरह से चाहे उनके घर हो, चाहे उनकी दुकान हो, चाहे वो संस्थान हो, वहां उनसे जाकर जबरदस्ती इस्तीफे तक लिए जा रहे। ठाकुर गांव जिसकी तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे थे, वहां हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं, हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। आप चाहे यूनुस खान से वहां पर मिलिए या किसी से भी वहां पर मिलिए, वो किसी भी तरह का आश्वासन दे लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले दिनों वो तस्वीरें भी आई थी जब मोहम्मद यूनुस, जो कि मुखिया है अंतरिम सरकार के, वो जाते हैं ढाकेश्वरी मंदिर में जहां पर मूर्तियां तोड़ी जाती है, आग के हवाले किया जाता है, लेकिन हिंसा रोकने में नाकाम है यूनुस सरकार। यूनुस खान हिंसा रोकने में नाकाम है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से, ये दो तस्वीरें देखिए, ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं हिंदुओं के घरों को किस तरह से आग के हवाले किया जाता है, ये ठाकुर गांव की तस्वीरें, देवजनी जो गांव है वहां की तस्वीरें, 15 हिंदू घर जिनको जला दिया गया, और दूसरी तस्वीर हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़, मूर्तियां तोड़ी जा रही है उनके इष्ट देवों की, उनके उनके आराध्यों की, ये देखिए किस तरह से अपमान वहां पर किया जा रहा है। लगातार हिंदू निशाने पर हैं, लगातार ये अराजकता वहां पर देखी जा रही है, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रही है यूनुस सरकार। इस पर पार पाने में, इस पर कंट्रोल पाने में नाकाम साबित हुई है, असफल साबित हुई है। ये जो कट्टरपंथी हैं, ये जो हुड़दंग वहां पर कर रखे हैं, वहां पहुंच जाते हैं उपद्रवी, वो हावी होते नजर आते हैं इस सरकार पर। तो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां अभी भी हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हैं वो कम होने का नाम, वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ये ताकतें हैं वो किस तरह से वहां अत्याचार कर रही हैं। कट्टरपंथी मौलाना और निशाना कौन? हिंदू। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी जो फरमान हैं वो जारी किए जाते हैं मौलानाओं द्वारा, क्या कुछ कहा जा रहा है, और बिल्कुल स्क्रिप्ट द स्क्रिप्ट वहां पर चला जा रहा है कि किस तरह से हिंदुओं का पूरी तरह से खात्मा करना है, किस तरह से जो मूर्तियां हैं, उनके आराध्य हैं, उनके इष्ट देव हैं, उनको तोड़ दिया जाना है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की धमकी दी जा रही है, लगातार उस भीड़ को और ज्यादा उकसाया जा रहा है, हिंदुओं के डीजे संगीत ना बजाने की धमकी दी गई है। इससे पहले यह भी देखा कि प्रोटेक्शन मनी उनसे मांगा जा रहा है, उनसे यह कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्शन मनी दीजिए अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं, अपनी जान की खैरखा चाहते हैं। तो इतना ही नहीं, अगर बच्चे भी कुछ वहां पर पढ़ रहे हैं, कुछ छात्र भी वहां पर हैं, उनके घरों को वहां पर फोन किया जा रहा है, उनके परिजनों को फोन किया जा रहा है। ये हिंदू मंदिर और हिंदुओं के घर तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है, और जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि ये पूरी तरह से जो हो रहा है वो जमात इस्लामी जो है, क्योंकि पूरी तरह से हावी वो है, और वो हावी है, उसके तमाम जो फरमान हैं वो जारी किए जाते हैं, उसी हिसाब से एक्ट करते हैं वो एलिमेंट्स जो इस वक्त नजर आ रहे हैं पूरी तरह से हावी बांग्लादेश पर।